हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ पालक मसाला पूरी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे कैसे बनाना है देख लेते हैं। इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें, बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। सबसे पहले हमें पालक को उबालना है, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पालक लिए हैं जिसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे एक बर्तन में मैंने पानी को गर्म कर लिया है, पालक को हम इसमें उबालेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे उबलने दूंगी पानी में। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और पालक पूरी तरह से पक चुका है, तो मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने दूंगी। तो अब हमें लेना है ग्राइंडर जार और इसमें हम जो पालक को पका लिए हैं इसे डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, 1 लहसुन की कली और छोटा टुकड़ा अदरक का, 1/2 टीस्पून जीरा, सभी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे ग्राइंड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो चलिए अब हम आटा तैयार करते हैं पूरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा 1 कटोरी, अराउंड 150 ग्राम। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक स्वाद के अनुसार, 2 पिंच हम हल्दी ऐड कर रहे हैं, 1/3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और 2 पिंच हम ले रहे हैं अजवाइन। हाथों से क्रश करेंगे, इससे पूरी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ऐड करना है ग्राइंड किया हुआ पालक, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरी के लिए आटा हमें मीडियम बनाना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा तेल लगा के चिकना कर लूंगी। मीडियम आटा बनके तैयार हो गया है, तो मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, तो अब पूरी बेल लेते हैं। इस तरह से मैंने पूरी को बेल लिया है और बेल लेते हैं। यहाँ मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे तेल को गरम कर लिया है और अब हम पूरी को तल लेंगे। पूरी को पकने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, आप देख रहे हैं पूरी पक चुकी है और ये फूल के तैयार है। तो अब मैं इसे निकाल लूंगी पेपर नैपकिन पे और इसी तरह से और पूरियों को तल लूंगी। पालक मसाला पूरी बनके तैयार है, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी पूरी बनके तैयार है, फुली फुली नरम नरम पूरियाँ बनके तैयार हो गई है। आप इसे सर्व करें ठंडी दही या फिर हरी चटनी के साथ, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।